बट ओमेगा के खिलाड़ियों को भापना पड़ेगा कि सामने वाली टीम का लहू बह रहा है और इसी वक्त हमला कर उनको बाहर निकाल सकते हैं। इन सब के बीच में वो शांतिपूर्वक जो टीम बैठी है टीम इंडिया वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं, पर व्हाट, एक ग्रेनेड और एक ग्रेनेड से टीम आईक्यू सोल वो गाड़ी ब्लास्ट हुआ और इसी के साथ उनका एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। कार्निवल गेमिंग 7 टोटल फिनिशेस के साथ क्रैट, पर इन सब के बीच में टीम एंटिटी जिन्होंने सबसे पहले अपना स्टार खिलाड़ी खोया था अभी भी 2 खिलाड़ियों के साथ इस मैच में मौजूद। शून्य फिनिशेस, सर्वाइवल हो तो ऐसा हो वरना ना ही हो। स्टार ट्रैगर खोने के बाद भी अभी भी टिके हुए कार्निवल को आज एक अच्छी शुरुआत चाहिए। कल की विकेंडी का जो कहते ना एक काफिला है वो आज इस रैंगल में भी देखने को मिलेगा। सोमराज काफी ऑफ पोजिशन में पकड़े गए, ओमेगा ने हंड डाउन करा और इसी के साथ हम्बल आइजल की टीम यहाँ पर डे टू की लाजवाब शुरुआत करते हुए। बट वहीं पे कार्निवल गेमिंग की गॉब्लिन वहीं पे क्लच कॉर्ड को नॉक करेंगे, ओवेश भी नॉक हो चुकी है, मैप के अंदर हाहाकार मच चुका है मेजी। अब बस सब चाहते हैं कि जोन के अंदर निकला जाए स्लग, वो हील कर रहे हैं और सामने से उनके खिलाड़ी निकलते हुए नजर आए स्लग, वो भी यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। निंजा बॉय वो खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है, ओमेगा वो और एक्स्ट्रा फिनिशर चाहते हैं, आईक्यू सोल सामने मौजूद रहेंगे पर नहीं, कैमिनी स्पोर्ट्स वेन अब उन्होंने ऊपर से देख लिया और देखते ही देखते कार्निवल गेमिंग उनका एलिमिनेशन इस मुकाबले से। 4 फिनिशर्स निकाले पर प्लेसमेंट पॉइंट वो शून्य। चादा दोनों टाइटंस है, इट्स कार्निवल वर्सेस गॉड्स रेन। गॉड्स रेन एक और ग्रेनेड के साथ, एक और ग्रेनेड उनके ऊपर, गॉब्लिन अक्षत एचपी बहुत ज्यादा कम, ओमेगा S12K पर उन्होंने स्विच किया और वो चाहते थोड़ा और आगे जाना। स्प्रे गॉड उनके पास भी ग्रेनेड, DBS पे स्विच किया गया, स्प्रे गॉड एक बढ़िया ग्रेनेड, ओमेगा उनको डाउन किया जाएगा। गॉड्स रेन उनको पता है कि ये वो मौका है जहां पे वो चौका मार सकते हैं, वो चिकन डिनर निकाला जा सकता है। अक्षत द क्लक्षत फॉर्म में उनको आना पड़ेगा। स्प्रे गॉड एचपी बहुत ज्यादा कम पर टेल्टा, उन्होंने स्प्रे गॉड को देख लिया, डाउन किया जाएगा और देखते देखते कार्निवल गेमिंग उनका भी एलिमिनेशन और फाइनली इजीली प्लेस थे, उनके पास कोई रीजन नहीं था जाके ड्रॉप क्लैश लेने का, पर यहाँ पे एक सिचुएशन थी आईक्यू सोल और कार्निवल गेमिंग के बीच में। सीजी अभी फिलहाल जिस पोजीशन में है वो सैंडविच्ड है, 2 आईक्यू सोल के प्लेयर पीछे की तरफ, नकुल इस तरफ, ओ मानिया भी इस तरफ है, तो अच्छा स्प्लिट आईक्यू सोल का, पर सीजी यहाँ पे 4 मैन स्ट्रॉन्ग एक साथ घूम रहे हैं, तो यू नो कभी कभी ये स्ट्रेटेजी ओवर पावर कर जाती है स्प्लिट को। ये लगता है कि एसपावर और रॉनिश हेल्थ और फायर नहीं दे पाएंगे, ये एक बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। जल्द से जल्द पोजीशन चेंज करना पड़ेगा जो एसपावर ऑलरेडी कर रहे हैं। मान्या के ऊपर बहुत ज़्यादा भार है और नकुल को किसी तरीके से कमान संभालना पड़ेगा क्योंकि कार्निवल गेमिंग वाकिफ तो है, सामने कोई तो मौजूद है। करेक्ट, एंड यहाँ पे गॉब्लिन अंदर जाते हुए यहीं पे सामने उनका सामना होगा आईक्यू सोल के प्लेयर से। नकुल वहाँ पे पिकअप करेंगे अक्षत को, एक्चुअली एसपावर पिकअप करेंगे अक्षत को, काफी प्यारा कवर फायर, एक और DPS शॉट लेने की कोशिश और हेक्टर को पिकअप करेंगे। आईक्यू सोल यहाँ पे सीजी को ओवर पावर करते हुए, एसपावर वहाँ पे सीजी ओमेगा को पिकअप करेंगे, सीजी काफी ज्यादा दिक्कत में। आईक्यू सोल यहाँ पे एक फिनिश अपने नाम पे कर चुके हैं, आखिरी प्लेयर गॉब्लिन बचते हैं, क्या उनके फिनिश को सिक्योर करेंगे, एंड आईक्यू सोल यहाँ पे सीजी को अर्ली गेम में वाइप आउट करते हुए 4 फिनिशेस आईक्यू सोल के नाम पे बिल्कुल हक से। यहाँ पे सारे टीम से अपने पोजीशन को तैनात कर चुके हैं, मेन वहाँ पे सीजी एलिमिनेट हो गए, आईफ्लिक्स ने चारों प्लेयर्स को शायद गाड़ी से ही उतार दिया। मीन वेल हाइड्रावर्स आरएनटी का सिचुएशन, नेट जाते हुए आरएनटी के हाथ में नेट जाए। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन भी इनेबल कर देना, एंड मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।